कुत्ते भौंकते रहते हैं ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3। आज थर्ड डे के लिए हम और हम निकलने वाले काजा, मतलब मैं निकलने वाला काजा, सामान पैकिंग हो गई है। लेकिन ये वीडियो मैंने यहाँ से शुरू क्यों करी है, जो होटल का व्यू है लास्ट वीडियो में जान के नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि रात अच्छे से प्रॉपर से नहीं हुई थी, तो प्रॉपर मज़ा नहीं आ रहा था देखने का, क्योंकि डे में जो मॉर्निंग में जो ये व्यू होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो चलो एक बार फटाफट से पहले होटल से व्यू देखो। लोकेशन है चितकुल, यहाँ से हिंदुस्तान का आखिरी विलेज है ये। आपको एक चीज दिखानी थी, कल उन्होंने मुझे दिखाया, ये पौधा एक स्पेशल है जो पहाड़ों के अंदर होता है, पहाड़ों की चोटियों पे होता है। तो ये जिनका होटल है वो वहां से लेके आए हैं, और इसकी खुशबू, माई गुडनेस, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू है। तो मैंने कल उनसे, उन्होंने मुझे दिखाया था स्पेशल, तो बहुत अच्छा। इसका नाम था कुछ, मैं याद, ब्रह्म कमल, जो मैंने उनसे पूछा है अभी। और यहाँ की एक और स्पेशल बातें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा रास्ते में। अभी हम निकल चुके हैं चितकुल से, और अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स काजा। हल्की हल्की पूरी है, स्पार्कलिंग टाइप की होती है ना, कि स्प्रे वाली हवा वो चल रही है, और वो मेरे ऊपर लग रही है आंखों में, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी GPS की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कल्पा तक का रास्ता तो सीधा सीधा ही है। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, क्योंकि रात को यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आई है, तो यहाँ पे स्नो का क्या सिस्टम है। अभी चितकुल में ही हूँ, यहाँ पे नवंबर में बर्फ़ शुरू हो जाती है और फरवरी तक बर्फ़ चलती है, स्नोफॉल होती है, लेकिन मार्च में स्नोफॉल होती नहीं है, लेकिन जो पुरानी स्नो है वो पड़ी रहती है। तो उसके बाद अप्रैल मिड के बाद यहाँ से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। तो जगह बहुत अच्छी है, बहुत शांत है। दिल्ली में जैसे जगह जगह पे कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, मतलब असली वाले कुत्ते जो डॉग्स होते हैं वो भौंकते हैं, तो यहाँ पे नहीं कोई भौंकता। अभी मेरे पास आके एक, मैं जब सामान बांध रहा था, एक कुत्ता मेरे पास आके बैठ गया, आराम से बैठा, देख रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा होगा कि यहाँ के बारे में एक बात बताऊंगा, बाहर जाके चितकुल के बारे में, वो बात नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मुझे होटल वाले ने जो बात बताई थी वो ना थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप की है, तो क्योंकि वो किसी रिलीजन के रिलेटेड चले जाती है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये इसके बारे में बताऊं, क्योंकि कोई अफेंड हो जाए उस बात पे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं वो बात नहीं बता रहा। ब्रिज है जो काजा के लिए निकलता है, क्योंकि पीछे से जो उनसी रोड आ रही थी, यहाँ से शिमला से आ रही लेफ्ट से, और काजा के लिए ये रहा। अब यहाँ से काजा है हमारा 208 या 9 किलोमीटर है। ये है करछम, और रोड देखो काजा की क्या ज़बरदस्त है। चलो आप एंजॉय करो एक बार टाइम रैप। बहुत प्यारी लोकेशन है ये बहुत प्यारी लोकेशन है।
और यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर में ना एक छोटी सी टनल बनाई हुई है, पता नहीं कहाँ वो कहाँ जा रही है, वो बेसिकली आर्मी वालों के लिए होगी। तो अभी आगे कोई आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दो निकली हैं पीछे। हो सकता है थोड़ी सी वॉइस में डिस्टरबेंस आए एयर की, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और ऊपर से बाइक भी चल रही है। तो अगर कोई आता है ना वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये तो बढ़िया, बहुत बढ़िया रोड है। पता क्या हुआ, एक्चुअली मैं अपना पहले टेंशन में था, क्योंकि मुझे ये था, मैंने कहा आज काजा जाना है और मेरा करीब बन रहा था 250 किलोमीटर। मेरे को लगा कि 250 किलोमीटर तो पहाड़ों का लगे बहुत ज़्यादा होता है और काजा के तो और डिफ़िकल्ट होंगे। तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई ऐसी रोड है, ये तो मक्खन रोड है। तो पीछे अगर आप ये वाला रास्ता देख रहे हो जो ऊपर सड़क जा रही है, वो जाती है रिकोंगपियो। तो वहाँ यहाँ से 6 किलोमीटर है। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा रिकोंगपियो वो ऊपर है, काजा के लिए यहाँ से जाना है। अगर मैं ऊपर रिकोंगपियो जाता तो फिर से मुझे नीचे आके वापस ये जाना पड़ता। तो मैंने किसी से पूछा कि वहाँ पे क्या है, तो कह रहे कुछ नहीं है, मार्केट है और कुछ खास नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने जहाँ क्या है रिकोंगपियो, तो मैंने रिकोंगपियो कैंसिल करके सीधा काजा के लिए ही निकल रहा हूँ मैं। ये मेरा मन कर रहा था कि पीछे खड़ा होकर वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करूँ, लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पे ना शूटिंग रेंज का वार्निंग लगाई हुई है। बेसिकली कभी कभी पहाड़ से पत्थर गिर जाता है कोई, तो इसलिए यहाँ पे खड़े होने स्ट्रिक्टली मना है। तो इसलिए ना यहाँ पे फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते। अभी आपको दिखाता हूँ, आगे से कुछ बाइकर्स आ रहे हैं, लेकिन वो वापस आ रहे हैं। वो हो सकता है वाया मनाली गए हो या वाया शिमला से करके यहीं से आ रहे हो। ओह माय गॉड, ये तो बाइकर्स नहीं है, ये तो लोकल है, लोकल्स है। ये देखो आप छोटे छोटे पत्थर देख रहे हो, तो यहाँ पे बेसिकली रुकना मना है। कोई शूटिंग रेंज वाला बैनर आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। लोग बाइकर्स की बात करते हैं, अभी आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखो, ये होता है एनर्जी। और अंकल ओल्ड है उनकी, क्योंकि मैंने बाल देखे उनके वाइट थे, हो सकता है फॉरेनर भी हो। इस जगह पे साइकिल चलाना तो ये तो एक वैसे ही लेवल अलग है। तो कभी मैं भी अपनी क्रॉस की साइकिल लेके आए अरे ग्रुप है, ये देख लो, ओल्ड एज है और ग्रुप राइड हो रही है ये। अरे वाह, मजा आ गया देख के भाई। चलो इनको थम्स अप कर दो, थम्स अप। चलो आपको दूसरी दुनिया के दर्शन करवा दे हैं। एक बहुत अच्छे ब्रिज की लोकेशन आई, मैंने कहा आपको दिखानी पड़ी चाहिए, क्या मस्त है। सेंटर में ये देखो, इधर सेंटर और इधर, तीनों तरफ मज़ेदार चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ जाना, वो ऊपर गाड़ी जा रही अभी चेतकुल से काजा, गुरप्रीत, GURPREET, गुरप्रीत सिंह, थैंक यू। तो अगर आप स्पीति ट्रिप कर रहे हो, आपको कहीं भी कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट
दे वॉन्ट एंट्री कि कौन जा रहा है यहाँ पे। इन्होंने एड्रेस नहीं लिया, नहीं तो वो एड्रेस भी लेते हैं कहीं। इसके अंदर से कोयला गलता हुआ निकल रहा है, कोयला नहीं, जिससे वो सड़क नहीं बनाते टारमैक। ये देखो यक, मेरा शीशा भी खुला, वाइजर भी खुला हुआ था। अगर वहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड होती है, इसलिए उन्होंने वो तोड़ के यहाँ पे नया ब्रिज बना रहे हैं, तो ये भी नया बन रहा है। लैंडस्लाइड नहीं होती वहाँ पे, मतलब बेसिकली वहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं कभी कभी, तो इसलिए उन्होंने ब्रिज वो एरिया ही हटा के एक नया ब्रिज बना दिया। यहाँ पे कुछ आर्मी वालों का चल रहा है कि आर्मी के ट्रक्स एक साथ कहीं पे जा रहे हैं, तो अभी तीन चार आपने देखे, तीन चार निकल गए हैं, ये पीछे से भी कंटिन्यूशन में आ रहे हैं। अभी मुझे लग रही थी बहुत तगड़ी वाली भूख, तो लोकेशन अच्छी नहीं मिल रही थी, बट ये लोकेशन मुझे मिली है, बहुत प्यारी लोकेशन है जहाँ पे बैठ के भी मैं खाना खाने वाला हूँ, तो यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। व्यू देखो एक बार, व्यू देखो, सो बहुत अच्छा व्यू है। अभी मैं बैठ के थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और देन आपसे बातचीत करते हैं कि आगे क्या है। ये क्या है? कुछ नहीं है गाइस, आगे ना कोई अच्छी सी लोकेशन आ रही है, क्योंकि मैं दूर से देख रहा हूँ बहुत सारे लोग खड़े हुए उधर। नो मीन्स नो, सो एक बार देखते हैं कि क्या है, क्या लोकेशन है ये। ये नीचे एक ढाबा है, और ये एक लोकेशन है जो, ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। ये तो जन्नत की सर। अच्छा ये देखो, अब ये जो पूरा रूट है ये वो इस पहाड़ी के अंदर अंदर से चलता रहेगा आगे आगे तक चलता रहेगा, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि ये देखो ये पत्थर, ये थोड़ी देर पहले ही लैंडस्लाइड हुई होगी, कोई पत्थर गिरे होंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी नोटिस कर रहा था जब गिरते हैं तो वो साथ के साथ ही क्लीन कर देते हैं, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ये साथ के साथ ही क्लीन हो जाता है। कहते हैं ना पहाड़ों पे, कई लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे राइडिंग या ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, इजी नहीं है, बल्कि जो दिल्ली की सड़कें हैं या किसी शहर की सड़कें हैं उनसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आप अपनी लाइन से अलग होते हो, मीन्स अगर मेरी ये लाइन है वाइट वाली, इसके इधर ही रहूँगा मैं, और ना ही जो सामने से आ रहा है ना ही कोई और चेंज करता है, तो ये ज़्यादा आसान है। दिल्ली में तो कहीं से भी आ जाएंगे वो, उनका क्या कोई भरोसा नहीं है, तो यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। कई जो कहते हैं कि नहीं है तो मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई आ रहा है, एक मैं सजेशन देता हूँ कि यहाँ पे रेत भी ना दो तरह की दिखेगी आपको, कुछ तो होंगी मोटे दाने वाली, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो सी पाउडर वाली रेत आपको दिखे तो उसके ऊपर काफ़ी ध्यान से चलाना, क्योंकि वो क्या होता है कि हल्का सा बैलेंस आउट कर देती है। मेरा हल्का सा बिगड़ा था, लेकिन नहीं हुआ कुछ नहीं, सब सही था। अभी एक जगह पे, ये जगह कौन सी है मेरे को नहीं पता, मैं पूछ के एक बार डालूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आके कुछ खाने का इंतजाम किया है, कुछ और भी बाइकर्स हैं लेकिन वो जा रहे हैं ले, तो उनका रूट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आओ एक व्यू दिखा दो, वहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, व्यू बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल उसकी चोटी पे लगाया हुआ है, हालांकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास में ही है, टच इतना पास में है कि मैं जाके टच भी कर सकता हूँ। और वैसे लोकेशन वाइज देखो तो बहुत बढ़िया है। वाटर क्रॉसिंग आई है, क्योंकि हमने बड़ी आसानी से पार भी कर ली।
बहुत ही मज़ेदार रोड आ गई, बहुत सुंदर है। यहाँ से 40 किलोमीटर बड़ी देर बाद ऐसी रोड दिखी है। सो अभी मैं आया हूँ हाथ धोने, यहाँ पे हाथ बहुत गंदे हुए पड़े हैं, तो यहाँ पे पानी था और यहाँ पे जा भी सकते हैं, तो मैंने कहा हाथ धो लेते हैं हल्का सा, क्योंकि पानी वैसे तो वहाँ पे रश तेज है लेकिन यहाँ पे पास में है। एक चीज़ के बारे में बात करनी है, पीछे एक जगह आई थी, मुझे नहीं पता वहाँ क्यों था ऐसे, वहाँ पे जो पानी बह रहा था बिल्कुल काला ब्लैक कलर का था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि जैसे ही मैंने सुमदो का चेक पोस्ट पार किया था, पार नहीं किया था मतलब चेक पोस्ट पे, तो जो आर्मी वाले थे उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया था कि लहरी तक आप कोई वीडियो नहीं बनाओगे, कैमरा मत ऑन करना, क्योंकि ये आर्मी वो आर्मी एरिया था तो उन्होंने मना किया। तो देखो जैसे आर्मी कहेगी हम उनकी बात बिल्कुल मानेंगे, बट ये बारे में मेरे को समझ नहीं आया कि वहाँ पे काले कलर का पानी क्यों बह रहा था और वो एग्जैक्टली आ किसे कहाँ से रहा था, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा तो जहाँ आगे मेरा कट आ गया तो वो कहीं और को तरफ चल गई, मुझे समझ नहीं आया। तो अगर किसी को इस बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, बाकी मैं नेट पे घर जाके एक बार इसके बारे में चेक जरूर करूँगा। वेलकम टू काजा। सो फाइनली काजा पहुंच गए हैं, ये है हमारा काजा। और अरे वाह, अभी पीछे बारिश आ रही थी बहुत देर, जैसे ही काजा पहुंचे हैं बारिश बंद, गुड है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई, तो अब देखते हैं आगे कहीं रुक के एक बढ़िया सा रूम, एनफील्ड पॉइंट यहाँ पे कल फोटो क्लिक करूँगा। अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो ये बेसिकली मेरे होटल का रूम है, अंदर आके देखते हैं। सो अब अच्छे से आराम से होटल में चेक इन कर लिया है, थोड़ा सा मैसअप है सामान, इसको थोड़ा सा ही करते हैं। और आज की वीडियो भी बहुत अच्छी बनी, मज़ा आया राइड करके। अब आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बाकी जो आपकी मर्जी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, कल मैं लोकल यहाँ पे घूमूंगा काजा, यहीं पे काजा में ही स्टे करूँगा और आके हिक्किम वैली, हिक्किम और आपका पिन वैली, हाईएस्ट पेट्रोल पम्प तो हो गया, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, सारी जगह आज कल विज़िट करेंगे। और परसों यहीं, कल भी यहीं स्टे करूँगा और परसों यहाँ से चंद्रताल के लिए निकलेंगे। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय।